तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, और मैं नहा के किचन में आ गई थी जल्दी, और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनी है। तो आज सब्ज़ी गोभी आलू की बनाई है, और खूब सारे इसमें गरम मसाला डाला है, खूब चटपटी बनाई है, एकदम भंडारी वाली स्टाइल बनाई है, क्योंकि आज ब्राह्मण के लिए जाएगी थाली, और मम्मी की जो मम्मी ने व्रत रहा था ना एकादशी का, तो वो थाली निकालनी थी, तो चटपटी सी बनाई है। मेरे हस्बैंड बोले कि चटपटी वो सब्जी है ना भंडारे वाली बनाई हो, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मम्मी के लिए पूजा के लिए जो पूड़ी निकालूंगी वो शुद्ध घी की निकाल रही हूँ, और उसके बाद बाकी सब लोगों के लिए तेल की निकालूंगी। तो यहाँ पे भगवान के लिए निकाल दिया, और ये ब्राह्मण के लिए मम्मी ले जा रही हैं, मम्मी नहीं ले जा रही हैं, मम्मी पे नहीं चला जाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड और सुरभि देने जा रहे हैं, कि मम्मी पे नहीं चला जाता है इतनी, क्योंकि कल व्रत रही थी ना, तो मैंने कहा मम्मी आप रहने दो, ये दे आएंगे। तो यहाँ पे इसके बाद गौ माता आ गई थी, मम्मी ने ठाकुर जी का भोग लगा दिया था, तो मैंने बोला मम्मी गौ माता आ गई आप दे दो। तो यहाँ पे मम्मी ठाकुर जी का भोग लगा गौ माता को दे आएंगी, और इसके बाद मम्मी को मैंने जल भी पिला दिया था, और मम्मी को चाय दे दी थी, और फिर मीठा मीठे मीठा भी जल पिला दिया था। और ये यहाँ पे लव है ना उठ गए हैं, और इनको भी मम्मी ने बोला कि बच्चे तुम लोग पहले कुछ खा लो जो भी बनाए। तो यहाँ पे जो सुरभि की थाली निकाली थी ना, तो सुरभि ने पता नहीं खाई थी कि नहीं, लेकिन वो लव ने बोला कि मैं खा लूँगा, तो यहाँ पे लव और सुरभि दोनों खा लेंगे। और इसके बाद मैं ये सारे बर्तन खाली कर दूँगी, क्योंकि मम्मी खाना नहीं खाएंगी, क्योंकि पापा जी को खिला के और जो मेरी रीको में भांजी आई हैं उनको देकर तब मम्मी खाएंगी। तो यहाँ पे मैंने उन सब का टिफ़िन और खाना वाना सब तैयार कर दिया है, पैक कर। तो जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मम्मी की थाली पंडित जी के पास पहुँच चुकी है, और मम्मी ने चाय पी ली, जल भी पी लिया, और अब मम्मी पापा जी को खिला के तब खाना खाएंगी। तो मम्मी के खाने की पैकिंग हो गई है, और सबका हो गया कॉफ़ी चाय, अब मैं पीने जा रही हूँ, तो गाइज आप भी पी लीजिए। और लव नहाने गया है, सुरभि नहाने का इंतजार कर रही है। निकल आया भैया? नहीं निकल रहा। अरे एक दर्जन है, दो दर्जन है। क्या केले? दो दर्जन होंगे, एक दर्जन इतने होते हैं। 12 तो यहाँ पे मम्मी अब जा रही हैं, और ये मेरे हस्बैंड छोड़ के आ जाएंगे, तो क्योंकि मम्मी पापा जी को खिलाने के बाद ही अपना व्रत खोलेंगी। और देखिए गाइस यहाँ से, और जो सामने से जो स्टील का दरवाज़ा है, यहाँ से मेरे पार्लर पे कस्टमर एंट्री करते हैं इसी दरवाजे से, तो यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड छोड़ आएंगे। और मम्मी जब जा रही थी तो मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी अंदर से, मम्मी भी हो रही थी इमोशनल, बहुत हो रही थी अंदर, मुझसे कह रही थी कि तू मतलब ऐसे बोल रही थी, तो मुझे अपने मुँह से बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मम्मी और मैं हम दोनों इमोशनल हो गए थे, होता है। तो यहाँ पे मम्मी अब चली जाएंगी, और मम्मी जब त्यौहार होता है तभी मम्मी आती हैं, वैसे वो मम्मी पापा वहीं पे ही रहते हैं। तो यहाँ ये देखिए, तो ये सुरभि, वो सुरभि जो सब्जी ले गई, जो थाली ले जा रही थी, वो मेरे हस्बैंड की जो टी शर्ट है उस पर उसी का दाग लगा है, जो हमें तब ध्यान नहीं दिया, वीडियो में ध्यान आया दिखा है वो। तो गई हम मंडे को मार्केट गए थे ना, तो लक्सुरभि के लिए जो कपड़े लेकर आए थे ना, तो वो आज मैं दिखा दें, क्योंकि हमने अपनी शॉपिंग दिखाई नहीं थी आपको, क्योंकि उस दिन से टाइम ही नहीं मिला। अब वहाँ से आके दूसरे दिन है ना, फिर वहाँ चले गए थे, दशहरा था तो अपने भांजों के मकान पे चले गए, फिर उसके बाद निर्जला एकादशी थी तो मम्मी आई थी, तो मम्मी के साथ थे, तो पूरा दिन निकल गया। फिर उसके बाद ब्राह्मण का भोजन कराना था, जो मम्मी जो थाली मम्मी निकाल के देती हैं, तो फिर इस चक्कर में नहीं कर पाया, दिखा पाया आपको। और ये कितना सुंदर बाबू मेरे पास बैठा हुआ है, और तो मैंने कहा चलो आज आपको दें। तो ये वीडियो, वैसे ये वीडियो कल जानी थी, लेकिन हम ये वाली वीडियो आज की ही ब्लॉग में डालेंगे, क्योंकि कल जो ब्लॉग था ना वो हम कुछ बना नहीं पाए थे, इसलिए ये वाली वीडियो है ना हम आज ही के में डालेंगे, क्योंकि ये आज ही का है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए गाइस, तो देखिए गाइस ये
लिए काफी न्यूज लेकर आए हैं, मतलब उसके लिए रख के लिए थोड़ी दूर ही लेकर आए बच्चों के लिए कपड़े। ये देखिए रेड कलर की टी शर्ट और एक इसी में से एक और है, ये है वाइट वाइट है। ये देखिए मेरे को वाइट अच्छी लगती है। और एक येलो लेनी थी मेरे को लव के लिए, तो येलो मिली नहीं। सुरभि के लिए तो मिल गई मेरे को, थी तो सही। एक सेकंड माय, एक सेकंड सब ठीक। नहीं नहीं अब बोर है, लाइट कमी। मुझे ये कॉलर वाली नहीं चाहिए थी, बस अब ठीक है। ये कॉलर वाली इसके पापा को अच्छी लगती है, मुझे कॉलर वाली नहीं दिलवाई। मुझे भी नहीं अच्छी लगती कॉलर वाली। तेरे पापा वो डैडू ने जब दिल उनको अच्छी लगती कॉलर वाली, मेरे को तो उन्हें अच्छी लगती कॉलर वाली। वो चाहे कितनी महंगी हो दिला देते हैं। भूल गए और दो निकर लेकर आए थे जिनमें से मैं एक पहना हुआ हूँ और एक धुलने पड़ा है। ये भी तेरी है? लो या सुरभि की है? मेरी है, मेरी है। इन मुझे ना ये इस टाइप की अच्छी लगती है। मुझे भी गोल गले की, ये गोल गले। और एक इन्होंने ना दशहरे वाले दिन पहन रखी है, जो आपने वीडियो में देखी ली होगी। और मैंने निकल भी पहन लिया था, टाइप की अच्छी लगती लाला देख सुन। और एक है ना ये वो ये वाली ना तेरी, ये ब्लू वाली, ब्लू वाली है। ये ब्लू वाली ऐसे इन्होंने बच्चों ने कपड़े चुन दिए हैं निकाल के, सारी इसमें सलवटें पड़ रही हैं। ये वाली पहले लेके आए थे ना, तो तूने भी ये इस टाइप की पहनी भी नहीं थी। ये वाली एक, ये ब्लू वाली, ये दोनों, ये वाली तो मैंने पसंद की है भाई। ये वाली ब्लू वाली ये इस टाइप की गले वाली देखिए, और ये मुझे इस टाइप की गले, ये प्रिंट भी इसका अच्छा लग रहा है। और ये इसके पापा की पसंद की, कलर तो मैंने चूज किया है लेकिन ये कॉलर इसके पापा की पसंद है। तो गाइस ये चौथी टी शर्ट भी मेरी है। ये 1 2 3 4 5 6 है मेरे पास, छह टी शर्ट आई हैं, सिक्स छह इकट्ठी आ जाती हैं। और सुरभि के लिए कितनी आई हैं मैम? देखो गाइस वीडियो चल रही है इसकी, तो वीडियो चल रही है, वीडियो देखो तो सही। तो ये देखिए गाइस, ये लव की कलर तो मैंने चॉइस की थी लेकिन ये इसके पापा ने ली थी। लेकिन गाइस ये मुझे नहीं पसंद, इनको तो पता नहीं क्या पसंद है बच्चों को। मुझको वो लोअर पसंद थी, देख गड्डू का चश्मा ये रहा इसमें बैग। ओह माय गॉड देखो, और देख इसमें ना ये, ओह माय गॉड क्या, और क्या छुपा रखा है तिजोरी में, इसमें इसमें तो मेरे क्या खाने में दिखाऊंगी, पहले सुरभि को दिखाऊंगी। एक एक जोड़ी दोनों ने पहन रखे हैं गाइस। ब्रो ये किस दिन का, ये क्या आए थे? ये तो उस दिन का, दो दिन पहले का है गाइस। दोनों निकल है ना, ये सुरभि की ये टी शर्ट गाइस। गाइस सुरभि के लिए बस तीन आ पाई हैं क्योंकि सुरभि के पास बहुत सारे कपड़े हैं। गाइस गाइस इसको अगर मैं आपको खोल के दिखाऊंगा ना इसकी सार को, गाइस अगर मैं आपको इस सामने वाली अलमारी खोल के दिखाऊंगा, इतने कपड़े होंगे इसमें, इतने कपड़े होंगे। मुझे ना लव के लिए भी लेने थे, यहाँ से नहीं लेने लेकिन आगरा से ले लूंगी। और गाइस आगरा से मैं एक जींस लेके आऊंगा पूरी ब्लैक। ये सुरभि के हैं गाइस। और गाइस आगरा में अलग शॉपिंग होगी, यहाँ से अलग शॉपिंग करके जाएंगे। और ये दो जगह शॉपिंग होती है, पूरी शॉपिंग है आगरा की अलग होगी। ये देखिए गाइस, फिर बच्चों के कपड़े गाइस एक बार इकट्ठे ले लेते हैं हम लोग, एक बार सर्दियों में एक बार गर्मियों में, फिर जरूरत नहीं है कि बीच बीच में लेने की, इकट्ठे ले लेते हैं। फिर एक से दो साल चल जाती हैं वो, पैरों से चल जाते हैं। इकट्ठे लो एकदम। देखो गाइस यहाँ से छह टी शर्ट यहाँ से ली है, आगरा से भी कुछ ना कुछ लेंगे। कितनी टी शर्ट हो गई? तीन, तीन या चार। क्यों? 1 2 3 और एक ये 4 पहनी है, हो जाती है इसकी। लेकिन है ना ये वाइट वाली डैडू ने वापस करवा दी और इसमें कुछ काम भी नहीं, नहीं तो वो ले लेते। अच्छी लग रही थी वो। और देखो गाइस ये देखिए गाइस, ये शुरू का शॉट है, ये देखिए गाइस शुरू का शॉट, एक और शॉट है। नहीं ये तो वो टी शर्ट है गाइस, इसको आज जींस के साथ पहनूंगा वाइट के साथ। ये बहुत अच्छा लगा था मुझे, और इसी में से एक वाइट था वो भी बहुत प्यारा था, लेकिन है ना उन्होंने वापस करवा दिया और इसने कुछ बोला नहीं। वो यूं कह रहे थे कि दूसरा ले लो और इसने बोला नहीं था फिर, क्योंकि गाइस मैं बच्चों के कपड़े है ना एक बार जब मतलब ले लेती हूँ ना, तो मुझे बार बार का चक्कर नहीं रहता कि ये लेके आना, फिर जब भी इनको जरूरत हो जब पहन लो।
बाकी ये है कि जब एक साथ नहीं निकालते, जब जरूरत पड़ती जाती है ना पहनते जाते हैं। ओह माय गॉड, बार बार लल्लू से मेरे पास आके बैठ जा रहा है। तो गाइज ये सारे, ये जो कपड़े हैं सारे, ये बैठे थे गाइज 3600 के कपड़े बैठे थे इनके। बाकी थोड़े बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आगरा जाएंगे तो वहाँ से ले लेंगे, क्योंकि लव सुरभि के कपड़े है ना, मतलब एक बार सर्दियों में ले लेते हैं, एक बार गर्मियों में ले लेते हैं, तो फिर इतनी नहीं रहती कि बार बार लेना है, तो इससे इनका हो जाता है पूरा, क्योंकि बच्चों के बार बार मार्केट जाना बन पाता है नहीं, तो जो भी लेना हो इकट्ठा लेना। आप लव की टी शर्ट ले ली हैं, कुछ आगरा जाएंगे तो वहाँ से शॉपिंग कर लेंगे, तो बस। और ये मैं आपको अपने ब्लाउज दिखाती हूँ गाइस, देखिए ये देखिए ये इसका, ये फर्स्ट वाले गले, ये इसका नेक ऐसा है, और ये वाला तो प्लेन ब्लाउज है गाइस, ये देखिए ये वाला तो प्लेन है गाइस, और ये पैंट अच्छा लग रहा है। और ये तो मैंने आपको दिखाई दिए वैसे, पर अब कंप्लीट हो गया है ये वो। गाइस इसका और इसकी फिटिंग मस्त आई है, एकदम मस्त सॉलिड आई है गाइस। तो गाइस आज जो शॉपिंग की थी वो मैंने आपको दिखा दी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कुछ अधूरा लग रहा है, मैंने कहा फिर मुझे ऐसा लग नहीं दिखानी चाहिए, होता है ना जब तक हम कुछ चीज़ लेके आए हैं तो हम दिखाएं नहीं तब तक चैन नहीं पड़ता है, तो ऐसे ही अब ऐसा हो गया आपके साथ भी, जब तक आपको नहीं दिखा देते तब तक कम्प्लीट नहीं होता है। तो ये भी छोटी सी शॉपिंग थी बच्चों की, हो गई है। और गाइज़ हमारा आगरा जाने का हो गया कि शायद कल जाने का हो, हमारा कल नहीं हुआ तो परसों तो है ही है, और आगरा जाने के लिए अब शाम को लगाएंगे बैग, और ये वाली तो फिर आगरा जाने की तैयारी हो रही है गाइज़, क्योंकि अब बच्चों की छुट्टी इस बार है ना, स्कूल जल्दी खुल रहे हैं बच्चों के, उधर लवानसी है, मेरे भैया हैं, मम्मी है, सबका फ़ोन आ रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि कब आएगी, और मेरी जो भतीजियाँ हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है मेरे से, तो कल भी उनका शाम को फ़ोन आया था, कई दिन से मतलब जाने की हो रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अभी पिछले महीने में जो पार्लर पे कस्टूम सीजन था तो नहीं जा पा रही थी, पिछले महीने से ही जाने की हो रही है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर करने से शायद किसी का भला हो जाए। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।